Hey guys, I'm Mona and welcome back to my channel. So, आज मैं recreate करने वाली हूँ, आपको title से video से पता चल गया होगा. Yes, मैं आज recreate करने वाली हूँ नयनतारा का makeup look जो उनकी upcoming movie आने वाली है, Sye Raa Narasimha Reddy. उनका ये makeup look है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसे recreate करने वाली हूँ. I hope आपको मेरा recreation पसंद आए. So, video पसंद आएगा तो like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा, अगर new है subscribe भी कर दीजिएगा. Now, let's get started. तो सबसे पहले मैंने बायोटिक का सिरम अप्लाई किया है एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, क्योंकि उनका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी दिख रहा था, तो उसके लिए मैंने सिरम एंड मॉइस्चराइज़र दोनों यहाँ पे अप्लाई किया है. एंड फाउंडेशन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरे स्किन से सूट नहीं कर रहा है एंड ये मैंने जानबूझ के यूज़ किया है यहाँ पर. सो इसके साथ मैं यहाँ पर मिस क्लेयर का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी. इसका मैं 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे मिक्स करके अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर आप पास से देखोगे उनका फ़ोटो तो काफ़ी ग्लोई नज़र आ रहा है उनका मेकअप. सो इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. सो आप अब फेस एंड नेक दोनों पे इसे अच्छे से अप्लाई करना, नहीं तो फेस एंड नेक दोनों का कलर बहुत ही अलग लगेगा. कंसीलर के मैं यहाँ पे स्विच ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड उसमें से मैंने कंसीलर सेट लेके मैंने अपना शेड यूज़ किया यहाँ पे, और मैं अपने अंडर आइज़ पे एंड अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी एंड इन दोनों को मैं अपने फिंगर के हेल्प से मैं ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अगर मैं फिंगर के हेल्प से ब्लेंड करती हूँ मुझे अच्छे से कवरेज मिलता है, मुझे ऐसा लगता है. सो आप कैसे इसे ब्लेंड करते हैं? वैसे मुझे लगता है फिंगर के हेल्प से अगर आप ब्लेंड करो तो बहुत ही अच्छे से आपको कवरेज मिलता है. अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबिलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड मैं पूरे फेस पे से अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी एंड थोड़ा सा अपने टीजोन पे अप्लाई करूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए मेरा फेस, क्योंकि यहाँ पे उनका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्लोई है. सो मैं अपने फेस को मैट नहीं करना चाहती हूँ कॉम्पैक्ट यूज़ करके. मैं करूँगी यहाँ पे अपने फेस को कॉन्टोर, क्योंकि वहाँ पे उनका फेस बहुत ही ज़्यादा शार्प जॉ लाइन एंड बहुत ही अच्छा फीचर है उनका फेस का. सो मैं अपने फेस को थोड़ा सा उनके जैसा तो बना नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि मेरा जॉ लाइन थोड़ा सा शार्प दिखे. अगर उनका फोटो देखते हैं तो वहाँ पे उनका आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक है एंड काफ़ी डार्क ब्राउन शेड में अप्लाई किया गया है, तो मैं यहाँ पे वही सेम ब्राउन आई शेडो लेके अपने आईब्रोज को फिल करूँगी एंड काफ़ी थिक रख रही हूँ, क्योंकि उनके आईब्रोज भी वहाँ पे थिक ही है. आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे ये 2 पैलेट का यूज़ करूँगी और इसमें से मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर यूज़ करके मैं अपना आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि उनका आईज थोड़ा सा स्मोकी काइंड ऑफ लुक है. सो उस हिसाब से मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे. सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ. ब्लैक आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं अपने अंडर आईज पे थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ फॉल आउट होता है तो बाद में मैं डस्ट आउट कर दूंगी, नहीं तो फिर वो सारा फिर काला काला हो जाएगा पूरा फेस. मुझे ये थोड़ा सा बाद में याद आया, इसके लिए मैंने स्टार्ट कर लिया था आई मेकअप, फिर अगेन मैंने उसे अप्लाई किया है. ये होता ही रहता है रियल लाइफ में मेरे साथ वैसे ही. सो मैं ये ब्लैक शेड लेके अपने आईडीज पे सिर्फ अप्लाई करूँगी, पूरे आईज में नहीं अप्लाई करूँगी. फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर को पिक करके वो दोनों ब्राउन एंड ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि वहाँ पर कोई भी हार्श लाइन ना रहे एंड सेम मैं अपने दूसरे आई पर भी वही लुक क्रिएट कर रही हूँ. Thank you.
काजल के लिए मैं यहाँ पे स्टेक वर्की का काजल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने लोअर वाटरलाइन एंड अपर वाटरलाइन दोनों पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि वहाँ पे उनके लुक को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो उनको आइज़ में बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक इफेक्ट आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड आई लुक हुआ है एंड थोड़ा सा स्मज भी किया गया है। तो मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके अपने लोअर वाटरलाइन पे काजल जो लगाया था उसे थोड़ा सा स्मज कर दूँगी। उन्होंने एक न्यूड लिप कलर का यूज़ किया है एंड मेरे पास कोई भी न्यूड शेड नहीं है, सो मैं मिस क्लेयर का ये वाला लिप शेड लेके बस डैब डैब करके अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। सॉरी फेस बोलने वाली थी। एंड उनका लिप्स काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी दिख रहा है तो मैं उसके ऊपर एक लिप ग्लॉस का यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा वही लिप ग्लॉसी दिखे मेरा लिपस्टिक। एंड उसके बाद मैं मस्कारा लगाने से पहले अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ और मेबेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप अच्छे से देखें तो उन्होंने कोई फॉल्स आईलैशेस का यूज़ नहीं किया है वहाँ पे, लेकिन अच्छे से मस्कारा का आई थिंक 3-4 कोट लगाया है वहाँ पे। सो मैं भी अच्छे से कोट कर रही हूँ अपने आईलैशेस को। तो ये रहा वो फाइनल लुक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो कैसा लगा मेकअप, कैसा लगा मेरा रिक्रिएशन, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। अगर मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।